हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो यार, टाइटल पढ़कर आपको पता लग गया होगा कि आज की वीडियो किस बारे में होने वाली है। हाँ, बिल्कुल सही, आज कौरी का वीजा अप्रूव होकर आ गया है। फाइनली, आफ्टर वेटिंग फॉर सो लॉन्ग, शी फाइनली गॉट हर वीजा अप्रूव्ड फॉर न्यूजीलैंड। तो वो न्यूजीलैंड आ रही है। अगर आप हमें काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो यू नो कि हम दो बार ऑलरेडी वीजा अप्लाई कर चुके हैं। एक बार अप्रूव हो गया था लेकिन ड्यू टू बॉर्डर रिस्ट्रिक्शन वो आ नहीं पाई थी। दूसरी बार प्रोसेसिंग में रही फाइल, कोई फीडबैक नहीं आया। एंड थर्ड टाइम फाइनली उनका वीजा आ गया है। एंड इस टाइम पे फिंगर क्रॉस्ड है, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। एंड भाई, मैं सच बोलूँ बहुत खुश हूँ। तो हुआ क्या था, हमने गौरी का वीज़ा अगस्त के स्टार्टिंग में ही अप्लाई कर दिया था, लेकिन 3 महीने तक यार कोई फीडबैक नहीं आया इमिग्रेशन की साइड से, कोई ईमेल नहीं थी, कुछ नहीं था। एंड फाइनली आफ्टर 3 मंथ्स एंड लास्ट मंथ ही मुझे एक ईमेल आई। एंड उसमें उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स हमसे मांगे हुए थे अपडेट करने के लिए। हमने पहले सबमिट किए हुए थे लेकिन हाँ, वो बोलते कि वो उन्हें अपडेट कर दो, बिकॉज इट्स ऑलरेडी बीन 3 मंथ्स, तो हमें अपडेट करने पड़ेंगे। और नीचे वीज़ा ऑफिसर का नाम लिखा होता है। एंड आई वॉज सो हैप्पी कि फाइनली इन्हें वीज़ा ऑफिसर तो अपॉइंट हो गए। इट मीन्स कि फाइल काफ़ी हद तक पहुँच चुकी है। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमने विद इन 24 आवर्स ही वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेट कर दिए। अब डॉक्यूमेंट अपडेट कर दिए तो नॉर्मली जब हमें, जैसे मेरा वीज़ा अप्लाई होता था तो कभी ऐसे वीज़ा ऑफिसर मांगता था कुछ भी, तो विद इन 1 or 2 days मेरा वीज़ा आ जाता था। बट गौरी का वीज़ा नहीं आया ब्रो। हमें वेट करते करते 2 वीक हो गए, कोई रिप्लाई नहीं था। फिर मैं कल ही बात कर रहा था अपने कलीग से कि यार ऐसा हो गया, 3 मंथ हो गए एंड कुछ भी अपडेट नहीं आई उनकी साइड से। तो फिर मैंने आज क्या किया, मैंने अपने कंसल्टेंट को कॉल किया नियरली दोपहर के 2 बजे के करीब कि भाई कोई अपडेट नहीं आई है, तो क्या चल रहा है यहाँ पे? बिकॉज इट्स ऑलरेडी बीन नियरली 3 वीक्स नाउ कि जब से हमने उन्हें सारे के सारे डॉक्स भी भेज दिए लेकिन स्टिल कोई अपडेट नहीं है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं ऐसा काम करता हूँ कि एक ना मैं रिमाइंडर भेज देता हूँ उन्हें। एंड यार, आई थिंक दैट रिमाइंडर रियली वर्क्ड, क्योंकि 2 बजे मैंने कॉल करी एंड शाम को 4:06 पे मुझे ईमेल आ गई कि फाइनली गौरी गॉट हर वीज़ा अप्रूव। तो यार मैं तो बहुत खुश हुआ, बट यार रिसेप्शन बहुत पुअर था। तो काफ़ी देर के बाद हमारी कॉल कनेक्ट हुई गौरी से, मैंने बात करी उनसे एंड शी वॉज रियली हैप्पी। अनफॉर्चुनेटली आई वॉजंट एबल टू रिकॉर्ड हर रिएक्शन, क्योंकि सच बोलूँ दिमाग में नहीं था उस टाइम पे कि मैं रिकॉर्ड वगैरह करूँ। मेरे को ये था कि क्योंकि इतना अंदर से खुशी थी ना, मैंने सिंपली कॉल करी। पहले तो कनेक्ट ही नहीं हो रहा था, जैसे कनेक्ट हुआ आई सेड गौरी यू गॉट योर वीज़ा अप्रूव्ड, एंड शी वॉज ओ माई गॉड। मैं सच बोलूँ उसे पहले से पता था क्योंकि एक ईमेल उसे भी चली गई थी जो कि मुझे नहीं पता था। एंड भाई वी वर सो हैप्पी। तो अभी उनका वीज़ा अप्रूव्ड है, ठीक है, वो आ रहे हैं यहाँ पे। कब आ रहे हैं वो अभी फाइनलाइज नहीं है। क्यों फाइनलाइज नहीं है? क्योंकि अभी टिकट्स वगैरह नहीं मिल रही। तो मैंने शाम को आते आते एजेंट को कॉल की, यहाँ पे है जो लोकल, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप हमें सारी की सारी जो डिटेल्स है नाम, डेट ऑफ बर्थ एंड पासपोर्ट नंबर भेज दीजिए, वी विल लुक फॉर द फ्लाइट एंड आपको एक आइटनरी बनाकर भेज देते हैं एंड चूज़ आप करिए, ठीक है। मैंने कहा ठीक है भाई, लेकिन फिर उनकी कॉल है कि भाई अभी नियरली 3 वीक तक तो कोई फ्लाइट अवेलेबल ही नहीं है, उसके बाद ही है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने इंडिया में कॉल करी गौरी को, मैंने बोला कि आप ऐसा कीजिए, आप इंडिया में किसी एजेंट से कॉन्टैक्ट कीजिए, उनसे पूछिए क्या पता वहाँ से फ्लाइट अवेलेबल हो। तो उन्होंने भी किया। तो अभी उन्होंने क्या किया कि दे आर सेइंग कि अभी के लिए तो कोई फ्लाइट अवेलेबल नहीं है, बट वी विल कीप ऑन लुकिंग, तो ऐसा कीजिए कि आप हमें एडवांस दे दीजिए। तो अभी फ़िलहाल एडवांस पे करने वाले हैं आज हम, ठीक है, एंड उसके बाद देखते हैं टिकट्स कब मिलती है। इसके अलावा अब दूसरा काम, वो भाई अब दूसरा काम क्या है, दूसरा काम ये है कि नाउ आई हैव टू लुक फॉर अ रूम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नहीं रह सकते, यहाँ पे सिंगल बेड है मेरे पास, आई रियली जस्ट कांट एडजस्ट कि हाँ भाई 2 जने वहाँ पे रहे। तो भाई मैंने आते आते आज शाम को ना काफ़ी सारे जो रूम्स की लिस्टिंग लगी हुई थी अपने फेसबुक मार्केट है वहाँ पे लगी होती है, तो मैंने वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को मैसेज कर दिया, वो आर लुकिंग फॉर अ कपल एज अ टेनेंट। तो काफ़ी सारों को मैसेज कर दिया, लेट्स सी किनका रिप्लाई आता है। अगर रिप्लाई आता है फिर उनके बाद मैं एक बार व्यूइंग करने जाऊंगा, अगर घर पसंद आ जाता है तो फिर देखते हैं कि उन्हें हम पसंद आते हैं कि नहीं आते, तो उसके हिसाब से होगा। बट हाँ, मेरे को काफ़ी जल्दी करनी पड़ेगी, अगर टिकट्स 3 हफ्ते में भी मिल रही हैं तो भाई 3 हफ्ते में मुझे बहुत जल्दी से घर ढूंढना पड़ेगा। घर नहीं, फॉर द टाइम बीइंग आई एम जस्ट लुकिंग फॉर अ रूम, घर बाद में देखेंगे। तो मैं सच बोलूँ मैं एक्साइटेड हूँ,
और नर्वस भी हूँ। नर्वस क्यों हूँ? मुझे बहुत सारी प्रिपरेशन करनी है और टाइम बहुत कम है, ठीक है, और मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। ठीक है, अभी मैं जस को भी कॉल करने वाला हूँ कि हाँ भाई वीज़ा आ गया, उसके बाद किशन को कॉल करूँगा कि भाई वीज़ा आ गया। जैसे पूछूँगा इफ़ शी इज़ फ्री तो हम लेने चलेंगे गौरी को, बट पहले पता तो लगे गौरी आ किस दिन रही है। ठीक है, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ, लाइक आई एम रियली रियली एक्साइटेड। तो भाई सच बोलो बस यही था आज की वीडियो में, एंड समर्स आ चुकी हैं यहाँ पे, और यार ठीक है बस यही था वीडियो में। बाकी मैं आपको अपडेट करता हूँ कि भाई क्या बना, एक दो दिन तक हमें पता लग जाएगा, लाइक हो सकता है कल ही पता लग जाए मुझे कि टिकट्स का क्या बना, एंड होपफुली मुझे घर का भी कुछ पता लग जाए। बाकी की अपडेट के साथ मैं आपसे जल्दी मिलूंगा। टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग, लव यू गाइस, बाय बाय।